देते हैं कि मांगे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है और मैं आईसीडीएस के अंदर ही बतौर एलडीसी काम कर रहा हूँ पिछले 2011 से, और अब तक हमें यहाँ पे काम करते हुए 6.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और अभी हाल ही में हमारी कुछ सुपरवाइजर को निकाला गया है, 64 सुपरवाइजर जो है जो 2016 में लगी थी, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पे आए और अपने लिए आए हैं कि इनको वापस लिया जाए और हमें जो है डिपार्टमेंट की सपोर्ट कर दिया जाए और हमारी फाइल जो है रेगुलराइजेशन में चलाई जाए। ये सब होने के बाद भी हम यहाँ पे अभी आए हैं 25 तारीख से, आज हमें 13वां दिन हो गया यहाँ पे बैठे हुए। डिप्टी सी एम जी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है कि हमसे आकर हमारी बात सुन ले और अपनी कह दे। जब भी आते हैं इनको हम डेली का एक लेटर दे के जा रहे हैं, आज भी हमने इनको एक लेटर दिया है, उसके बाद भी इसमें हमने आज एक नोटिस और दिया है साथ में। अभी हम जो यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं सुबह 9 से 5 बजे तक की कर रहे हैं, आगे हम जो हड़ताल पे जाएंगे पूरे 24 घंटे की हड़ताल पे जाएंगे, इस चीज़ का नोटिस आज हमने इनको दे दिया है। अगर इन्होंने तब भी हमारी बात नहीं मानी तो उसके बाद हम भूख हड़ताल पे भी बैठने को तैयार है। अभी आपने देखा कि यहाँ जो सुपरवाइज़र हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और अन्य जो डिपार्टमेंट इससे संबंध रखता है, सारे लोग परेशान हैं। और एक तरफ केंद्र सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और अधिकतर इस सरकार के अंदर बेटियां ही रोड पर आके अपनी मांगों को मान रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई भी सरकार इनकी बात को नहीं मानता। दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार ये कहती थी कि वो धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मंगवाने के लिए वो धरना प्रदर्शन करते थे, वही एक आदत सभी में डाल दिया गया। इससे पहले आंगनवाड़ी वर्कर भी धरना प्रदर्शन किया उन्होंने और अपनी दिल्ली सरकार को झुकाने का काम किया, फिर उसके बाद में आशा वर्करों ने भी काम धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद दिल्ली सरकार झुकी। और यही जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो सुपरवाइजर, हो सकता है कि इनके सामने भी दिल्ली सरकार झुकने का काम करे। और जिस तरीके से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, ये कहाँ इनका साकार होता है। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि एक तरफ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिली भगत से ये काम करते हैं, इन्हें पता है कि मेरे स्थान से मात्र जो 10 मीटर की दूरी नहीं है, 5 मीटर की दूरी है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने इनकी बात नहीं सुनी गई और इन्होंने आज चेतावनी दी है कि हम 9 बजे से लेकर और यहाँ 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करते हैं, यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, मथुरा रोड।